सरपंची में चौधरी का बड़ा चक्कर हो से। अरे भाई चौधरी, अरे चौधराहट तो चीज जैसी है, हमारे शहरा में भी कई लोग के चौधरी शब्द ही तरह पसंद आ रहे, अपने नाम के पाछे ने चौधरी लिख दी। इब गांव में कदे गए ना आए ना, गांव में तो चौधरी नाम तो पहले लिखा करें, चौधरी रघुवीर सिंह, चौधरी रणधीर सिंह, वो पट्ठा पाछे लिख रहा, गांव में चला गया। सरपंच का इलेक्शन था, 7 बजे बूथ तैयार करया, इतनी आड़ में एक सफेद को धोती, सफेद चकाचक कुर्ता और खंडवा बांधे चरड़ चरड़ जूती बोलना उसकी, और वो आ गया। ये क्या मगदर मचा रखा है, बॉक्स के चारों तरफ आपने चादर नहीं लगाई, 100 मीटर से अंदर एजेंट बैठे हैं, और उसने मारा वो प्रोफेसर का भूत बना ही रखा, 50 ऑब्जेक्शन दो फार तय ला दिए। सारे दिन वो प्रोफेसर उस सरपंच का उम्मीदवार की ही चक्री काटी गया, वो ऑब्जेक्शन लाएगा और वो हटाएगा, और प्रोफेसर कहने लगा जी मेरे उसने नाक में दम कर रखा था। और जब सांझ ने वोटें गिनती हुई ना, भाई के 52 वोट लगड़े और जो जीतता था उसके 2,000 से भी ऊपर। तो मैं कहने लगा चौधरी साहब आपका यह बात समझ में को ना आवे, हमारे गांव में कई से लकाड़ू हुए आकर उन्हें जीतन हारने तो कोई मतलब ना होता, बस अपनी पीपी टेकनी है, अपना नाम कराना सारा गांव में। यह बात मेरा याद क्यों आई, सुबह सुबह गांव में थे, मेरे दोस्त का फोन आ गया, कहता भाई साहब तेरा भतीजा पंच में ठा रखा से, और अपने गांव में तो पंच तो सारे निर्विरोध बन गए, एक दो सीट तो खाली रह गई और बाकी निर्विरोध बन गए, बस मारा ही छोड़ गए, एक श्यामी आ रहा है, वोट बाट तो उसकी क्या मना है, पर न्यू है दुखी कर देगा। मैंने कहा भाई क्यों दुखी हो रहा है, उसने तो करना ऐसे न्यू, तुम अपनी मेहनत करो और वोट मांगो और इलेक्शन जीतो। बोला ना ना तू कोई वीडियो नहीं बना दे। अरे मैंने कहा भाई वोट हमारी सह नहीं, मारे कहे तो कौन वोट देगा और कौन ना देगा, पर हाँ तेरे वीडियो के जिक्र ते मेरे वो बात याद आ गई, आखिर गांव में हरेक गांव में ईसा एकाधिक लकड़ू जरूर पाया करे, जिसने जीतना आने तो कोई मतलब ना होता, बस उसका नाम लोग कहीं जाए, एक वो उठ रहा है एक वो उठ रहा है, इस समय उनकी सेटिस्फेक्शन हो जाए। अरे जब सारे गांव की पंचायत बैठी बनने लग रही है, मेरे भाई दो जने रह जाते उन्हें भी बैठ के आपस में फैसला कर लेना चाहिए, गांव की कोई इज्जत भी चीज होती है, सारा का सारी पंचायत अगर बैठी बैठाई बन जाती है, निर्विरोध बन जाती है, तो एक अलग शान की बात है। चलो सरपंची करा लो, पर पंच तो बना लो राजी राजी, पंच बनाए हैं तो तर्कन सरपंच भी बनाओगे, कोई भी अच्छी प्रथा कदे भी डाली जा सके। मैं तो भाई इतना ही कह सकूं, भतीजा हो बेटा हो चाहे कोई दूसरा साथी हो, भाई निर्विरोध बनो और गांव के विकास में मदद करो।